और अगर आप हमारे चैनल में नए देखें, यहाँ पे लाल बटन सब्सक्राइब का दबा दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नए वीडियोस की। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो स्टॉक बहुत ही चर्चित स्टॉक है और बहुत ही कम प्राइस का स्टॉक है, आप मार्केट में आपको हर जगह मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो उस स्टॉक के बारे में काफ़ी चर्चा है और उस स्टॉक का नाम है, उस कंपनी का नाम है रुचि सोया। आप समझ गए होंगे क्योंकि अभी इस पर बातचीत चल रही है अदानी विल्मर की और पतंजलि जो एक दिग्गज कंपनी FMCG की, बाबा रामदेव साहब जी की, तो वो इनको अधिग्रहण करने के लिए लगे हुए हैं, इसको मर्ज करने खरीदने के लिए लगे हुए हैं। तो रुचि सोया के जो प्रोडक्ट्स हैं, पहले हम बता दें किस चीज़ के लिए काम करती है। रुचि सोया के ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, आप किसी भी मॉल पर जाइए, सुपरमार्केट पर जाइए तो आपको खाने पीने के एडिबल ऑयल और यहाँ पे तरह तरह के कई प्रकार है, जैसे कि सोयाबीन, सनफ्लावर, कॉटन सीड, राइस ब्रांड एंड ग्राउंड नट वनस्पति, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर, ऐसे पाम ऑलिव मस्टर्ड, न्यूट्रेला सोयाबीन, न्यूट्रेला सनफ्लावर, न्यूट्रेला मस्टर्ड ऑयल, न्यूट्री गोल्ड, ज़बरदस्त खाने पीने के प्रोडक्ट्स बनाती है, नो डाउट, इसमें किसी प्रकार कोई संदेह नहीं है। सोया फूड्स में देखिए न्यूट्रेला चंक्स, गिनेस मिनी चंक्स, फ्रेशनेस ऑफ लाइम, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी वेबसाइट में मैंने देखा और हम हर वेबसाइट पर नहीं, हम तो सुपरमार्केट में भी इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख चुके हैं, तो बहुत ज़बरदस्त बिकते हैं तेल वगैरह और इनके खाने पीने के जितने भी आइटम्स हैं। एक तरफ हम ये सोचते हैं कि छोटी प्राइस का शेयर होने की वजह से इस पर पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि ये कंपनी अगर मान लीजिए पतंजलि ने इसको ख़रीद भी लिया तो क्या ये परफॉर्मेंस वो दे पाएगी, क्या आपको मल्टीबैगर ये साबित हो पाएगा आपकी नज़र में, क्या आपको ये करोड़पति बना पाएगी, या जो भी जितने पैसे आपने डाले ये क्या इसको मल्टीप्लाई कर पाएगी। पहले हम देख लेंगे कि ब्लड बाथ, ये जो 10 सालों में जो रिटर्न का जो ये लाल लाल दिख रहा है ना, खूनम खून मचा रखा है ना यहाँ पे, ये थोड़ा सा मुझे बहुत डरावना लगता है। डरावना इसलिए लगता है कि मैं आपको 1000 रुपए के स्टॉक प्राइस, मैं 2000 रुपए के स्टॉक प्राइस, मैं 3500 रुपए के स्टॉक प्राइस आपको सजेस्ट करता हूँ। मैं मारुति सुजुकी की स्टॉक प्राइस इतने महंगे प्रीमियम पे सजेस्ट करता हूँ, लेकिन महंगे नहीं है वो, चाहे 1000 रुपए को जितनी अच्छी अच्छी कंपनीज हमने बताई, लेकिन कभी कभी 6 रुपए 40 पैसे 44 पैसे के जो रुचि सोया का स्टॉक का प्राइस चल रहा है ये महंगा लग रहा है। इसलिए महंगा लग रहा है कि आपने अगर 10 साल पहले भी 1 लाख डाले तो सिर्फ 25,000 रुपए रह गए आपके, 24,000 रुपए। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ईयर टू डेट जनवरी में भी 1 लाख रुपए डाले तो आपका 28% का लॉस है, एक भी जगह ग्रीन का निशान नहीं, वो भी 6 महीने पहले 1.90। देखिए दो चीज़ें, आप इन्वेस्टर हैं कि ट्रेडर हैं कि आप इंट्राडे वाले हैं। तो होता क्या है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो समझदारी से पैसा लगाते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय के लिए करते हैं और उनको कई गुना उनको रिटर्न मिलता है। तो रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड हम बात कर रहे हैं 9 अप्रैल 2019 को, 4 बज चुके, मार्केट क्लोज हो चुकी, BSE पे इसका जो भाव ट्रेड हुआ था क्लोजिंग टाइम है, क्लोजिंग प्राइस वॉज द 6.50, मतलब 6.50 रुपये पर ट्रेड हुआ और 1 साल का जो लो बनाया था इसने 4.90 रुपये, हाई था 70.50 रुपये। आइए बढ़ते हैं। एनीवेज अब यहाँ पे मैं मैक्सिमम चार्ट पे आ गया हूँ, 2000 से ये कैसे परफॉर्म कर रहा था कि लो बनाया था सन 2000 में 4.80 रुपये का और चला चला डिविडेंड भी पे कर रहा था, बहुत अच्छी बात है, डिविडेंड पे कर रहा था और हाई मारा था इसने यहाँ पे 140-165 रुपये का, फिर धड़ाम से नीचे यहाँ पे गिरा था, फिर इसने बाउंस बैक किया यहाँ पे और 132 रुपये प्राइस पे क्लोज होते हुए, फिर धीरे धीरे जिस हिसाब से ये यहाँ पे 2011-10 से उतरता गया और 2015-16-17 में तो इसने डिविडेंड देना भी करीब 15 में भी देना बंद कर दिया होगा, जो कंपनी को लाभांश होता है वो अपने निवेशकों से शेयर करना बंद कर दिया और चलते चलते फिर नीचे गिरते, जिन्होंने यहाँ पर लिया होगा वो तो गए, उनका पैसा तो डूब गया होगा। एनीवेज दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी भी समय है, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है आजकल, देखिए स्टेबल हो गया है और इलेक्शन का भी दौर चल रहा है, तो ऐसे में क्या करें कि अच्छी अच्छी गुड क्वालिटी एक्सलेंट क्वालिटी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अच्छे अच्छे कंपनी के, आप देखिए जानिए और अच्छे क्वालिटी की कंपनियों में अगर आप पैसे डालते हैं तो 6 महीने नहीं, मैं तो कहता हूँ साल भर आप टारगेट रखिए, 5 से 10 साल का, हो सकता है कि आपको 1 साल के अंदर ही डबल हो जाए, हो सकता है 6 महीने के अंदर ही आपका पैसा डबल होगा। ऐसे मैंने कई सारी केमिकल की कंपनियां बताई हैं जो अपने हाई से काफ़ी लो पे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट टूटा हुआ था, लेकिन फंडामेंटली और नेट प्रॉफिट में फाइनेंशियली रिजल्ट्स उनके बड़े अच्छे थे और ज़बरदस्त कंपनियां हैं,
अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी है, और लास्ट 10 सालों में भी कई गुना उन्होंने कम से कम 2000% 3000% का रिटर्न भी दिया है। तो देखिए 86% लोग कह रहे हैं कि बाय कर लीजिए सेंटीमीटर में, 10% कह रहे हैं सेल, ये तो समझदार हैं, 4% लोग कह रहे हैं होल्ड। तो मैं ऐसे लोगों को शत शत नमन करता हूँ, 86% लोगों को। हाँ, अब होता क्या है कि ट्रेडर्स जो होते हैं, जिनको क्या होता है उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कि कोई ट्रेडर्स है, उसने देखा कि कोई न्यूज़ आ गई, मान लीजिए पतंजलि की तरफ से कोई अच्छी खबर न्यूज़ आ गई, या NCLT की तरफ से कोई न्यूज़ आ गई कि भैया कोर्ट की तरफ से कि इनको ये कंपनी मिलने वाली है, एक न्यूज़ आ गई और 2-4 रुपये 5 रुपये 10 रुपये ऊपर चला गया। तो जिन्होंने यहाँ पर लगाया था शॉर्ट टर्म के लिए, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, उन्होंने तो कमा लिया क्योंकि उनकी नज़र रहती है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेचारे फंस जाते हैं। तो ऐसे बच के रहें, आप इन्वेस्टर हैं, आप लॉन्ग टर्म शेयर्स के चैनल पे हैं, आप आइए। देखिए मार्केट कैप इसका है 217 करोड़ का, जो मार्केट कैप है 217 करोड़ का। EPS यहाँ पर नहीं दिखाया, EPS जब कोई अर्निंग होगी तब तो दिखाएगा। पी चलिए हम देख लेंगे। बुक वैल्यू देखिए नेगेटिव में है एनीवेज, और फेस वैल्यू 2 की रह गई, डिविडेंड तो पे ही नहीं करती, 0% है। इंडस्ट्री पी है 13.57 की, और डिलीवरेबल है 38% के आसपास। और फिर मैं कर्जे पे चलूँगा, मैं बैलेंस शीट पे पहले सबसे पहले कर्जा ढूंढता हूँ। टोटल डेट है 6,649 करोड़। ये कंपनी बुरी तरह कर्जे में डूबी हुई है, भयानक कर्जे में। देखिए मार्केट कैप कितने का है, 217 करोड़ का, और कर्जा इन्होंने कितना ले रखा है, मतलब पानी सर के ऊपर चला गया है। तो इसीलिए ये कंपनियाँ बिक रही हैं, लेकिन प्रोडक्ट इनके नो डाउट ज़बरदस्त हैं, लेकिन जब कंपनी खुद नहीं कमाएगी तो आपको क्या कमाएगी, आपको रिटर्न क्या मिलेगा। फिर रिटर्न मैंने बताया कि अब मैं ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं इनके, मैं क्या बताऊं आपको, नेगेटिव में ही दिख रहा है। एनीवेज फिर भी मैं पढ़ दूंगा आप कह रहे हैं, और ये देखिए मैं दिखा देता हूं आपको। दिसंबर 18 के यहां पे नेट सेल्स में बढ़ाते हैं 10.53% की, नेट प्रॉफिट में 59.94% के नेगेटिव रिटर्न, मार्जिन में भी देखिए नेगेटिव रिटर्न से। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी हम चलते हैं तो देखिए 33.89% की प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, उन्होंने घटाई भी थी इस क्वार्टर में, घटाते ही जा रहे हैं, घटाना ही पड़ेगा क्योंकि इनको इंटरेस्ट पे करना है, और ब्याज जो पैसा ले रखा है उन्होंने ब्याज पे करना है, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग ही स्टेक डाउन पे लगाते जाएंगे। और 61.4% की यहाँ पे गिरवी शेयर्स हैं, अभी ये ख़त्म होने। म्यूचुअल फंड्स की 4 स्कीम्स ने पैसे लगा रहे हैं, मुझे अभी भी आश्चर्य है कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, वो भी हम देख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं 46.05% की, ज़बरदस्त भर रखा है लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। और डिविडेंड इन्होंने देखिए 15 मई पे बंद कर दिया था, हमने चार्ट पे भी देखा था। तो जब जिस दिन डिविडेंड पे करना कोई कंपनी रेगुलर पे करी और बंद कर दे, उससे मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मार्केट कैप देख चुके हैं अपने, इंडस्ट्री में 6 नंबर पे है। अब इसमें ज़्यादा बात करने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो फ्रेंड्स ये सजेस्ट करूंगा कि मैं सिर्फ आपको, मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, और उस इन्फॉर्मेशन में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे स्टॉक्स से अलर्ट ही रहें, क्योंकि जब तक इनको बाबा रामदेव साहब जी ने जब तक खरीद नहीं लेते, खरीदने के बाद वो उस कंपनी को किस हिसाब से हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, उसके बाद के बाद की बात है। लेकिन महज मात्र न्यूज से आप उसमें इन्वेस्ट कर दें तो ये रिस्क है, ये रिस्क है। तो आप अपने पैसे को डूबने से बचाएं और अच्छे स्टॉक्स में लगाएं। मैंने बहुत सारे, आपको यही तो करना ना भैया कि पैसे लगा के आपको पैसे बनाने हैं, तो मैंने बहुत सारी कंपनियां बताई हैं जिनके मैनेजमेंट अच्छा है, जिन पर कोई कर्जा नहीं है, जिनके 20 सालों का रिटर्न जिनके ज़बरदस्त हैं, जिनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं। आपको FMCG में जाना तो FMCG में जाइए, आपको ऑटो सेक्टर में जाना तो ऑटो सेक्टर खैर अभी डामाडोल चला, लेकिन फिर भी अशोक लेलैंड जैसे हैं, लंबे समय के लिए आप रखिए। आपको जो है केमिकल सेक्टर में जाना, केमिकल की मैंने बहुत सारी कंपनीज बताई हुई हैं, और आप चैनल पर कभी विजिट तो करिए, आप देखिए KRBL ये मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आपको किस सेक्टर में जाना है उस सेक्टर का खरीदिए, IT सेक्टर में जाना IT सेक्टर में खरीदिए, ऐसे बहुत सारे स्टॉक। बैंकिंग में जाना बैंकिंग के भी, बंधन बैंक मैंने बहुत सारी, यस बैंक मैंने बताया भी था, इवन मैंने सकुमा एक्सपोर्ट्स के बारे में बताया था। सकुमा एक्सपोर्ट आज ही 12-13% का उछाल मारा है, जबकि लोग डर के भाग जाते हैं।
और मैंने चमनलाल सेतिया के बारे में, एक्सपोर्ट कम ट्रेडिंग कंपनी के बारे में बताया, वो भी है। तो इसे मैंने टायर सेक्टर में जाना है, टायर सेक्टर में जाइए। तो बहुत सारी इन्फोसिस जैसे ज़बरदस्त कंपनियां जो सिर्फ बोनस बोनस से इतना कमवा देती हैं, डिविडेंड से इतना कमवा देती हैं कि यही मल्टीबैगर अगर करेक्टली देखा जाए, आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा ज़रूर देखिए, जमुना ऑटो ऑटो इन सैलरीज में जाना या जाइए, तो बहुत सारे देखे। और ज़बरदस्त कुछ कंपनियां, अतुल लिमिटेड थोड़ा महंगा लेकिन केमिकल का ज़बरदस्त स्टॉक, महंगा कुछ नहीं है लेकिन कंपनी के हिसाब से वो सस्ता ही प्राइस है, भले ही उसका प्रीमियम महंगा है। इस तरीके से मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप उन अच्छी कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। देखिए मेरा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, लेकिन कोई भी स्टॉक खरीदने बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा ज़रूर करें, ये मेरी एक एडवाइस है और ये एक डिस्क्लेमर भी है हमारी कंपनी की तरफ से। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।